सो हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप से और 2D में। आज हम डिस्कस करने वाले टीवी 18 ब्रॉडकास्ट लिमिटेड। इस स्टॉक में करंट लेवल पर 65 रुपए 95 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। इस स्टॉक में लास्ट ट्रेडिंग डे को 2 रुपए 65 पैसे की तेजी देखने को मिली है और ये स्टॉक 4% से भी ऊपर के अपसाइड मूव दिखाता हुआ नजर आ रहा है। हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले कि इस स्टॉक में फ्यूचर में क्या टारगेट बनते हुए नजर आने और हमें स्टॉप लॉस कहां पर ट्रेड करके रखना चाहिए। चार्ट पैटर्न देखें तो इस स्टॉक में एक टॉप बॉटम बना 68 रुपीज पर। 68 रुपीज के स्टॉक में एक ट्रिपल टॉप बॉटम बना जहां पर स्टॉक ने 3 बार सेम प्राइस टच करने के बाद ऊपरी लेवल पर स्टॉक में एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। स्टॉक में नीचे का सपोर्ट लेवल था 62 रुपीज का, पर स्टॉक उस प्राइस को सपोर्ट नहीं कर पाया और वहां से स्टॉक में एक बड़ी मात्रा में करेक्शन देखने को मिली जहां पर स्टॉक का लो बनता हुआ नजर आया 55 रुपीज पर। 55 रुपीज के इस पॉइंट पर स्टॉक ने एक लो बनाया और यहीं से इसके अंदर स्टॉक में एक रिवर्सल ट्रेंड बनता हुआ नजर आया और स्टॉक में एक बाउंस बैक बनता हुआ देखने को मिल रहा है। स्टॉक में जो ऊपर एक रुकावट रेंज था 62 रुपीज, उस प्राइस को स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया और एक हाई बनाया 66 रुपीज का। ऊपरी लेवल पर फिर से स्टॉक में करेक्शन देखने को मिली और जो स्टॉक का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल था 62 रुपीज, उस प्राइस को टच करके स्टॉक में एक रिवर्सल पैटर्न बनता हुआ नजर आया। तो अगर आप इस स्टॉक में पोजीशन बनाना चाहते हैं तो स्टॉक में 62 रुपीज पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल जोन देखने को मिल रहा है। तो आप 62 रुपीज के एक इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस के साथ ऊपर के टारगेट अराउंड 85 रुपीज के लिए आप इस स्टॉक को होल्ड करके रख सकते हैं। स्टॉक में बड़ी तेजी जब भी देखने को मिलेगी जब स्टॉक एक बार 68 रुपीज के प्राइस को ब्रेकआउट देकर एक क्लोजिंग ले लेता है तो वहां पर स्टॉक में एक सपोर्ट बन जाएगा, फिर वहां से स्टॉक में एक बड़ी रैली बनती हुई नजर आएगी। यह वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।